हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं विष्णु शर्मा आपका आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम आज से हमारे चैनल आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पर जो अभी एग्ज़ाम आपके पास में है CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, जिसका अभी तक कोई डेट वैसे कन्फर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए एक CHO के लिए इम्पोर्टेंट शॉर्ट वीडियो सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट या जो करंट और जो भी स्कीम्स वगैरह, चाहे वो आपके स्टेट लेवल या फिर इंडिया लेवल पर जो प्रस्तावित है, चल रही है, रनिंग अप है, वो स्कीम्स और प्रोग्राम आपको एक शॉर्ट वीडियो सीरीज के थ्रू समझाएंगे, ठीक है। जिसमें आपका आज का पहला जो वीडियो है वो है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इसके बारे में अपन एक शॉर्ट वीडियो एक्सप्लेन करेंगे। जो वीडियो मुख्यमंत्री राजश्री योजना है क्या, कब लॉन्च की गई और इसका बेनिफिट क्या है, तो देखो आपके सामने मैंने राइट कर दिया है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। ये एक रिप्लेसमेंट के तौर पे आई थी। कहने का मतलब, मुख्यमंत्री राजश्री योजना जब लॉन्च की गई, इससे पहले आपका एक योजना चल रहा था, कौन सा, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। ये योजना कब लॉन्च की गई, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना आपका 1 अप्रैल 2013 को लॉन्च की गई। लेकिन इसको ताने के लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च की गई, और ये लॉन्च की गई 1 जून 2016 को राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री राजश्री योजना लॉन्च की गई। जिसका मेन एम क्या है, देखो अपन सभी को पता है कि अभी प्रेजेंट टाइम सोसाइटी के अंदर एक पार्शियलिटी चलती है। अपन बच्चे को, जो बॉय बेबी होता है, उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं बजाय गर्ल बेबी के। तो सोसाइटी के अंदर ये पार्शियलिटी को फिनिश करने के लिए, जो अपन लिंग भेद चलता है लड़के में और लड़की में, उसको फिनिश करने के लिए, उसको कम करने के लिए ही मुख्यमंत्री राजश्री योजना लॉन्च की गई। कहने का मतलब, पर्संस या जो सोसाइटी के अंदर जो भी कम्युनिटी है, पॉपुलेशन है, उनको एक लालच दिया गया जिससे कि अपन जो भी बालिका या गर्ल्स बेबी है उनमें पार्शियलिटी कम कर सके, एक सोसाइटी के अंदर गर्ल्स को एक इम्पोर्टेंस दे सके, और इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो अपना मेन एम है, NRHM से चलता हुआ आ रहा है कि NRHM को भी जब एस्टाब्लिश किया गया तो उसका मेन एम था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को अपग्रेड करना, उसके साथ साथ जो भी MMR रेट है, IMR रेट है, उसको डिक्रीज करना, जो अपना मेन एम है NRHM का, जो प्रेजेंट टाइम NHM के थ्रू चल रहा है। तो ये सारे जितनी भी स्कीम्स वगैरह, जो भी प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं, वो NHM के थ्रू चल रहे हैं। पहले NRHM था, अभी प्रेजेंट टाइम ये NHM हो गया, ठीक है, NHM नेशनल हेल्थ मिशन। तो बात अपन आगे बढ़ते हैं, लॉन्च कब किया गया, 1 जून 2016 को ये लॉन्च किया गया, जिसका मेन एम क्या था, एम क्या है। पहला एम तो है इक्विलिटी इन सोसाइटी फॉर गर्ल्स। सबसे पहली इंपॉर्टेंट एम आया अपना कि गर्ल्स को सोसाइटी के अंदर एक इक्विलिटी देना, कोई भेद वगैरह नहीं करना है अपन को कि हाँ ये लड़का है ये लड़की है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को अपग्रेड करना, अगर होम डिलीवरी होगी तो MMR और IMR इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर अपन वही डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल या हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी करवाते हैं तो कहने का मतलब अपन एक तरीके से कह सकते हैं कि MMR और IMR रेट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इसके अलावा
इसके अलावा जो आपका गर्ल्स गर्ल्स बेबी मोर्टेलिटी रेट है, गर्ल्स मोर्टेलिटी रेट है उसको डिक्रीज करना, गर्ल्स बेबी मोर्टेलिटी रेट है उसको डिक्रीज करना, क्योंकि अभी अपनी कम्युनिटी जो अधिकतर गांवों के अंदर अपन को ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि नवजात जो बालिका शिशु है उसको कहीं रोड पे छोड़ दिया या हॉस्पिटल में छोड़ दिया, तो उससे क्या है कि जो भी गर्ल्स बेबी मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ रही है। लेकिन शुभ राजश्री योजना के तहत या इसके थ्रू अपन गर्ल्स बेबी मोर्टेलिटी रेट है उसको अपन डिक्रीज कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है, तो इसके लिए राजश्री योजना है उसके अंदर पर्सन्स को अपन एक तरीके से लालच देंगे, एक पैकेज अप होता है जो सभी को पता है कि आजकल जितनी भी डिलीवरी होती है चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो चाहे फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, पैसे दिए जाते हैं कि लड़की होने पर इतने पैसे और लड़के होने पर इतने पैसे। तो टोटल मिला के राजश्री योजना के अंदर अपन ने एक पैकेज फिक्स किया, कितने का पैकेज है, 50,000 रुपये का, 50,000 टोटल पैकेज है। अब ऐसे नहीं कर सकते कि अपन टोटल पैकेज 50,000 का है, अब 50,000 अपन ना तो एक साथ देंगे, ठीक है, ना ऐसा है कि उनके पेरेंट्स को देंगे, और ना अपन ऐसा कह सकते हैं कि 50,000 रुपये अपन ने एक साथ पकड़ा दिए या डिलीवरी या फिर डिस्चार्ज के टाइम पर 50,000 रुपये का चेक या अपन उसको कैश में दे दिया, ऐसा नहीं है। ये 50,000 रुपये बालिका को हर एक पर्टिकुलर टाइम पे EMI या किस्त के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। अपन बात करते हैं कि कैसे क्या दिया जाता है, तो देखो इसका बेनिफिट तो आपको बता दिया कि 50,000 रुपये का टोटल अमाउंट इसमें अपन EMI के थ्रू देंगे, जिसमें पहला बेनिफिट नंबर फर्स्ट पहला है, अगर डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल है चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल पर हो, यहाँ पर डिलीवरी के बाद में जब फीमेल यहाँ से डिस्चार्ज होगी उस टाइम पर इसको 2,500 रुपये दिए जाएंगे। पहली EMI जब कब दी जाएगी, जब अपन हॉस्पिटल डिलीवरी करवाएंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाएंगे चाहे वो फिर वो गवर्नमेंट के अंदर हो चाहे फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल के हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाई हो, उस टाइम जब फीमेल डिस्चार्ज होती है हॉस्पिटल से तो पहली किस्त उसी टाइम दे दी जाएगी 2,500 रुपये की। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि पहली किस्त के अंदर चाहे फीमेल के पास में आधार कार्ड भी नहीं हो या भामाशाह कार्ड भी नहीं हो या फिर जो प्रेजेंट टाइम भामाशाह को बदल के जन आधार कार्ड कर दिया हो, अगर वो एब्सेंस है अवेलेबल नहीं है तो भी ये 2,500 रुपये तो दिए जाएंगे, लेकिन आगे वाली जो किस्तें हैं वो मदर का एंड जो बच्ची है उसका आधार कार्ड, दूसरा उसका ममता कार्ड, और तीसरा या तो भामाशाह कार्ड या फिर जो प्रेजेंट टाइम उसका नाम बदल दिया जन आधार कार्ड कर दिया वो चीज़ अवेलेबल होगी तो ही वो किस्त प्रोवाइड करवाई जाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर दूसरी डिलीवरी की बात करते हैं, दूसरा बेनिफिट की बात करते हैं अपन, कब, जब बेबी आपका फर्स्ट ईयर का हो जाता है कंप्लीट, 1 ईयर का हो जाता है तब भी इसको 2,500 रुपये दिए जाएंगे। अगर बच्चे की उम्र 1 साल की हो जाती है तो 2,500 रुपये इस टाइम पर इसको दूसरी किस्त के रूप में दिया जाएगा। इसके बाद में तीसरा बेनिफिट, बच्ची जब बेबी का तीसरा बेनिफिट है, एडमिशन इन फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट स्कूल, कंडीशन है कि बच्ची का जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही करवाना है, चाहे वो पहली क्लास से पढ़ रही हो चाहे फिर वो 12th क्लास के अंदर पढ़ रही हो, तो फर्स्ट क्लास से ही बच्ची का एडमिशन अपन को गवर्नमेंट स्कूल में करवाना है। इसका एम ये भी था कि बच्चियों की जो लड़कियां हैं
लड़कियों की शिक्षक जो गुणवत्ता है, शिक्षा गुणवत्ता है या फिर बच्ची को एजुकेट करने के लिए, गांव में मोस्टली क्या होता है कि लड़कियों को चूल्हा चाकी वगैरह के लिए घर पे रख लिया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता, तो उनकी एजुकेशन पावर को इंक्रीज या अपग्रेड करने के लिए ही ये योजना आई कि चलो मान लिया कि पेरेंट्स के अंदर दिमाग में एक थॉट बन जाएगी कि अपना पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो सारा पैसा कौन दे रहा है, योजना के थ्रू, राष्ट्रीय योजना के थ्रू प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो तीसरा बेनिफिट अपन को यही बोलता है कि जब बच्ची का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में फर्स्ट क्लास में करवाया जाता है तो उस टाइम पर फर्स्ट क्लास में एडमिशन पर बच्ची को मिलेंगे 4000। तीसरा किस्त आ गया आपका 4000 का, ठीक है। कब आया, फर्स्ट क्लास में जब बच्चे ने एडमिशन लिया तब इसको 4000 रुपये की एक किस्त दी जाएगी। इसके बाद में सिक्स क्लास के अंदर एडमिशन लेने पर, सिक्स क्लास में एडमिशन लेने पर इसको अमाउंट दिया जाएगा, वो है 5000 रुपये सिक्स क्लास में एडमिशन लेने पर। कंडीशन वही अप्लाई रखनी है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही पढ़ना है बच्ची को। फिर है पाँचवा बेनिफिट है टेंथ क्लास के अंदर अगर बच्ची एडमिशन लेती है तो इसको 11000 रुपये की एक मुफ्त राशि दी जाएगी, ठीक है। पहला फर्स्ट क्लास पर मिला कितना, 4000 रुपये, सिक्स क्लास में बच्ची ने एडमिशन लिया तो 5000, और टेंथ क्लास में एडमिशन लिया तो इसको 11000 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद में साइड में लिख कर रहा हूँ, सिक्स पॉइंट में अगर बच्ची 12वीं क्लास पास कर लेती है तब बच्ची को यहाँ पे 25000 रुपये एक मुफ्त राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो कहने का मतलब ये आपके 6 बेनिफिट है जो राष्ट्रीय योजना के तहत लड़की को प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसके अंदर अपन ने देखा कि फर्स्ट पॉइंट तो क्या था कि जब बच्ची या फिर उसका जो मदर है डिलीवरी के बाद में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो 2500 रुपये तो उसको उस टाइम पर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा राशि है वो बच्ची 1 साल की कंप्लीट होती है तो भी अपन को 2500 रुपये प्रोवाइड करवाने हैं, ठीक है। और तीसरा है जब बच्ची फर्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन लेती है तब उसको 4000 रुपये एक किस्त के रूप में दिए जाएंगे। चौथा पॉइंट था 6th क्लास के अंदर बच्ची एडमिशन लेती है, कंडीशन गवर्नमेंट स्कूल में ही, 6th क्लास में एडमिशन लेती है तब उसको 5000 रुपये की राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी, 10th क्लास में एडमिशन लेने पर 11000 रुपये, और 12वीं क्लास पास करने पर उसको 25000 रुपये एक मुफ्त राशि के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है इसका वो अपन आगे देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी मतलब कौन सी फीमेल या फिर कौन सी जो बच्ची है वो इसकी हकदार है कि मैं राष्ट्रीय योजना का बेनिफिट ले सकती हूँ। तो अपन बात करते हैं एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी के अंदर देखते हैं। पहला तो प्रॉपर रेजिडेंस, प्रॉपर रेजिडेंस इन इंडिया एंड राजस्थान, इन इंडिया एंड राजस्थान, राजस्थान की मूल निवासी होना जरूरी है। दूसरा एलिजिबिलिटी है बर्थ एट या तो 1 जून 2016 को उसका बर्थ हुआ हो या फिर उसके बाद में उसका जन्म हुआ हो, या फिर उसका उसके बाद में जन्म हुआ हो। मतलब कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो आपको बताई कि प्रॉपर रेजिडेंस इन इंडिया राजस्थान, राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। दूसरा बेनिफिट है, दूसरा एलिजिबिलिटी है, या तो बच्ची का जन्म 1 जून 2016 को हुआ हो या फिर 1 जून 2016 के बाद हुआ हो। अगर जन्म 1 जून 2016 से पहले हुआ होगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत बच्ची को 2100 रुपये दिए जाते थे ओनली, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय योजना ही, और राष्ट्रीय योजना ने अपना पैकेज बढ़ाया और टोटल पैकेज किया 50000 रुपये का। इसके बाद में तीसरा मैंने आपको बताया कि पहली किस्त है वो मदर को मिलेगी एब्सेंस या अनअवेलेबिलिटी आधार कार्ड, ठीक है। अगर फर्स्ट ईएमआई पे आधार कार्ड वगैरह नहीं है तो भी मिल जाएगा, आधार कार्ड और बामाशाह कार्ड है
भामाशाह कार्ड है, इनकी एब्सेंस के अंदर भी इस योजना का अपन लाभ ले सकते हैं। बट जो सेकंड ईएमआई है, सेकंड ईएमआई के लिए या तो ममता कार्ड, ममता कार्ड का मतलब जो मदर एएनसी जब विजिट स्टार्ट होती है तब एक फीमेल का एक कार्ड बनाया जाता है, उसको बोलते हैं ममता कार्ड, जिसमें फीमेल के सारे टेस्ट वगैरह, एचपी वगैरह, उसका वेट वगैरह, ठीक, कितनी विजिट अपन ने प्रोवाइड करवाई, उसका इम्यूनाइजेशन किया कि नहीं किया, डिलीवरी होने के बाद में बच्चे का जो सारा 5 साल तक का जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है वो उसके अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है, अपन ने कौन कौन से टीके लगवा दिए, कौन सी डेट आगे दी जानी है जिसके लिए कि बच्चे को दोबारा या हॉस्पिटल लाना है, ठीक है। तो ममता कार्ड ये अवेलेबल होगा तो दिया जाएगा। दूसरा, आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड या फिर जन आधार कार्ड, ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, तभी ये योजना वगैरह सारी अपन इसमें प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। टोटल पैकेज कितना है वो आपको मैं रिपीट करवा रहा हूँ कि टोटल पैकेज अपन को कितना दिया जा रहा है, इसमें आप देखना एक बार। टोटल पैकेज मैंने बताया आपको कि ₹50,000 राजश्री योजना के तहत दिया जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे देना है वो देखना बाप। फर्स्ट ईएमआई कब देनी है, जब डिलीवरी टाइम या फिर जब फीमेल डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। डिलीवरी कहाँ करवानी है, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई हो, ठीक है। फर्स्ट ईएमआई डिलीवरी टाइम, डिस्चार्ज गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में होना जरूरी है। तो यहाँ पर इसको अमाउंट मिलेगा कितना, ₹2,500। यहाँ पे लिखते जाता हूँ ₹2,500। दूसरी है सेकेंड ईएमआई, कितनी सेम है, ₹2,500, वन ईयर कंप्लीट होने पर ₹2,500 का दूसरा राशि दिया जाएगा। फिर है 4,000 जब फर्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन लिया बच्ची ने, फर्स्ट क्लास एडमिशन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फिर उसके बाद में ₹5,000 है सिक्स क्लास एडमिशन। फिर है 10th क्लास ₹11,000 और लास्ट वाली है ₹25,000 12वीं क्लास पास होने पर। तो ये टोटल मिला के आपका बनता है कितना, ₹50,000। ये 50,000 का पैकेज मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत पर्सन्स को कम्युनिटी में प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब अपन ने जो भी पैकेज देना है 50,000 का, 50,000 का, वो आपके सामने है कि 6 ईएमआई के अंदर अपन को ₹50,000 प्रोवाइड करवाना है, जिसमें पहला ईएमआई दिया ₹2,500 कब दिया, एट डिस्चार्ज टाइम, जब डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई हो तब अपन को ₹2,500 देना है। सेकेंड ईएमआई भी आपको ₹2,500 की देनी है, कब देनी है, जब बच्चे की एज 1 ईयर कंप्लीट हो जाती है। थर्ड ईएमआई देनी है ₹4,000, कब देना है, जब बच्ची ने फर्स्ट क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया हो तब अपन को थर्ड ईएमआई ₹4,000 के रूप में प्रोवाइड करवानी है। फिर इसके बाद में फोर्थ ईएमआई है कब, जब बच्ची ने एडमिशन कौन सी क्लास में लिया हो, सिक्स क्लास के अंदर, वही कंडीशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, तब अपन को फोर्थ ईएमआई के रूप में ₹5,000 बच्ची को प्रोवाइड करवाने हैं। फिर फिफ्थ ईएमआई ₹11,000 की है, जब बच्ची गवर्नमेंट स्कूल में 10th क्लास के अंदर एडमिशन ली हुई हो। और लास्ट ईएमआई है ₹25,000 की एक मुश्त राशि है, वो कब, जब बच्ची ने गवर्नमेंट स्कूल से 12वीं क्लास पास कर ली हो उस टाइम पर बच्ची को ₹25,000 का एक मुश्त राशि अपन को प्रोवाइड करवाना है। तो ये थी अपनी योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब आई, क्यों आई। मुख्यमंत्री राजश्री योजना से पहले राजस्थान के अंदर
मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना चल रही थी जिसको 1 अप्रैल 2013 को लॉन्च किया गया, लेकिन इसका पैकेज बढ़ाकर और इस योजना का नाम कर दिया गया मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, जो लॉन्च की गई 1 जून 2016 को। क्यों की गई? लड़कियों को भी समाज के अंदर उतनी ही इम्पोर्टेंस देना जितना कि लड़कों को मिलता है, ठीक है। लड़कों को तो पढ़ा लिया, लेकिन बच्चियों को नहीं पढ़ाते, तो उनकी शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी, एक लड़कियों को एजुकेशन दिलाने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई। इसके साथ साथ जो भी डिलीवरीज है उनको इंस्टीट्यूशनल करवाने के लिए ये योजना दी गई कि जैसे कि अपन किसी को सामने लालच देते हैं तो वो अपने आप अपने पास में आता है, तो पर्सन्स को, कम्युनिटी को, पॉपुलेशन को एक लालच दिया गया जिससे कि पर्सन्स डिलीवरी ओनली हॉस्पिटल में ही करवाए, ठीक है। तो ये था मेरा पहला वीडियो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के रूप में, ठीक है। आगे वाला जो वीडियो होगा वो भी आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गुड लक, बाय बाय।